हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोनेट नंबर 65। इसका ये सोनेट का पोएट है विलियम शेक्सपियर। सोनेट क्या होता है, सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं। सोनेट होता है एक पोएम ऑफ 14 लाइंस, 14 लाइन का एक पोएम होता है। ठीक है, सोनेट जनरली दो किस्म का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है पेट्रार्कन सोनेट और एक होता है शेक्सपियरियन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट को हम लोग इटालियन सोनेट भी कहते हैं और शेक्सपियरियन सोनेट को हम लोग इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, मेनली स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। पेट्रार्कन सोनेट्स का जो 14 लाइन होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है एक 8 लाइन का स्टैंजा जिसको बोला जाता है ऑक्टेव, और दूसरा पार्ट होता है एक 6 लाइन का स्टैंजा जिसको बोला जाता है सेस्टेट। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंग्लिश सोनेट्स और शेक्सपियरियन सोनेट्स, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो तीन राइमिंग क्वाट्रेन, क्वाट्रेन मतलब होता है चार लाइन का एक स्टैंजा को बोला जाता है क्वाट्रेन। तो तीन क्वाट्रेन रहता है और उसका आखिर में एक कंक्लूडिंग कपलेट रहता है। कपलेट मतलब दो लाइन का स्टैंजा, उसको कपलेट बोला जाता है। तो तीन राइमिंग क्वाट्रेन्स रहता है, 12 लाइन 3 × 4, और आखिर में दो लाइन का एक कपलेट 2, तो 12 + 2 = 14 लाइंस। तो यही होता है दोनों का अंतर। हम लोग जो आज सोनेट 65 पढ़ने जा रहे हैं, ये भी शेक्सपियरियन सोनेट है। तो ये भी आप लोग देख सक रहे हैं कि ये भी तीन राइमिंग क्वाट्रेन से बना हुआ है और आखिर में एक इसमें कंक्लूडिंग कपलेट दिया हुआ है। सोनेट का, खास करके शेक्सपियरियन सोनेट का जो फीचर्स है, उसमें कोई एक प्रॉब्लम को, कोई भी एक इशू को जो पहला तीन राइमिंग क्वाट्रेन से, उसमें वो प्रॉब्लम को डिटेल में पहले एनालाइज किया जाता है, उस प्रॉब्लम के बारे बताया जाता है, और फिर उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसको आखिरी ये जो दो कंक्लूडिंग कपलेट है, या इसको क्लिंचिंग कपलेट भी बोला जाता, तो ये क्लिंचिंग कपलेट में वो सोल्यूशन को दिया जाता है। ठीक है, यही पेट्रार्कन सोनेट में इसको वोल्टा बोला जाता है, VOLTA, वोल्टा। यानी कि वोल्टा का मतलब होता है टर्न ऑफ थॉट। एक सोनेट में जब प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के बाद उसको पोइट जब शिफ्ट करते हैं, पोइट का मूड जब शिफ्ट होता है, जब वो सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, उनका थॉट्स में शिफ्ट आता है, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वोल्टा और द टर्न ऑफ पॉइंट। ओके, तो यहाँ इस सोनेट 65 में हम लोग देखेंगे कि ये जो कंक्लूडिंग कपलेट है या क्लिंचिंग कपलेट है, इसमें हम लोग वोल्टा या टर्न ऑफ थॉट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम लोग लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी। ब्रास का मतलब होता है पीतल। ठीक है, ये एलॉय ब्रास एक मेटल होता है, ये एलॉय मेटल होता है, कॉपर और जिंक को मिला करके ब्रास बनता है। तो पीतल, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, काफ़ी हैवी होता है। नॉर स्टोन, स्टोन यानी कि पत्थर, नॉर अर्थ, अर्थ यानी यहाँ सॉइल या मिट्टी का बात किया जा रहा है, जो सरफेस रहता है, अर्थ सॉइल या मिट्टी। नॉर बाउंडलेस सी, बाउंडलेस का मतलब होता है जिसका कोई बाउंड्री नहीं है, अनलिमिटेड। ठीक है, कोई बिना कोई बाउंड्री का, सी यानी कि समंदर। तो पहला लाइन का मतलब क्या हुआ कि ना ही तो पीतल, या नॉर का मतलब है ना ही, तो ना ही पीतल, ना ही पत्थर, ना ही अर्थ, यानी कि ये पूरा धरती। यहाँ अर्थ को हम लोग एज अ धरती भी समझ सकते हैं और एज अ सॉइल भी समझ सकते हैं। ठीक है, एज अ मटेरियल सॉइल भी समझ सकते हैं। ना तो ये विशाल धरती या उसकी मिट्टी, और ना ही सीमाहीन समंदर। समंदर का जैसे कोई बाउंड्री नहीं रहता, जितना दूर जाता है पानी ही देख पाते हम लोग। तो ये चारों में से कोई भी नहीं। बट सैड मॉर्टैलिटी ओवरस्वेज देयर पावर। यहाँ पे सैड मॉर्टैलिटी, मॉर्टैलिटी मतलब यहाँ डेथ, मृत्यु। ठीक है, सैड कहने का क्या मतलब है, सैड कहने का मतलब यहाँ पे एक सेंस ऑफ लॉस पोइट एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि डेथ हमेशा लॉस के साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए उस सेंस ऑफ लॉस को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ सैड वर्ड यूज़ किया गया है। ओवरस्वेज, यहाँ आप लोग तो नोटिस कीजिएगा कि ओवरस्वेज में यहाँ, लेकिन ओ वी ई आर पूरा लिखा नहीं गया है, ओ का बाद एक
एपोस्ट्रॉफी मार्क दिया गया है। ये क्यों किया गया है? ये पोएम को मीटर को मैनेज करने के लिए किया गया है। ऐसा हम लोग देखते हैं, ऐसा देखा जाता है कि ट्रेडिशनल सॉनेट्स में, खास करके इंग्लिश सॉनेट्स में या पेट्रार्कन सॉनेट्स में भी कभी कभी देखा जाता है कि जो पोएम का जो मीटर है उसको बराबर रखने के लिए कोई कोई वर्ड को पूरा नहीं लिख के उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड या छोटा फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसीलिए जहाँ कहीं भी आप लोग देखिएगा कि अपोस्ट्रॉफी मार्क का प्रयोग है, वहाँ समझ लीजिएगा कि वो एक्चुअली बड़ा वर्ड है पर उसको एब्रिविएटेड फॉर्म में, छोटा फॉर्म में लिखा गया है। किस लिए? पोएम का मीटर को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ओवरस्पेस, ओवरस्पेस का मतलब होता है ओवरकम। ठीक है, देयर पावर, देयर पावर, तो यहाँ देयर मतलब कौन कौन चीज़ के बारे में बताया गया है? ये पहला लाइन में जो चार टॉपिक का उल्लेख था कि ब्रास, स्टोन, अर्थ और बाउंडलेस सी, ये चारों का बारे कि ये चारों का पावर से को भी ओवरकम कौन कर जाता है? सैड मोर्टैलिटी यानी कि डेथ। तो ये चार इतने बड़े बड़े चीज़ है, ब्रास, स्टोन, और ध्यान दीजिएगा कि धीरे धीरे जैसे पोइट वन बाय वन मेंशन करते जा रहे उसका पावर भी लेकिन बढ़ता जा रहा। ब्रास, ब्रास से भी ज़्यादा भारी या ज़्यादा सख्त सॉलिड कौन है? स्टोन। स्टोन से भी ज़्यादा विशाल कौन है? अर्थ। और अर्थ का ही जैसा विशाल कौन है? ये बाउंडलेस सी। तो इतने बड़े बड़े इतने स्ट्रॉन्ग चीज़ भी किसके आगे नहीं टिकते? डेथ के आगे नहीं टिकते। इन लोगों का पावर से भी ज़्यादा किसका पावर है? डेथ का पावर। फिर नेक्स्ट लाइन में, हाउ विथ दिस रेज शैल ब्यूटी होल्ड ए प्ली। रेज का मतलब होता है एंगर। ठीक है, मतलब ऐसा भयानक एंगर से इसका साथ जो ब्यूटी होता है, ब्यूटी मतलब खूबसूरती, तो ब्यूटी कैसे प्ली करेगी? प्ली का मतलब होता है यहाँ लीगल कंप्लेंट। ठीक है, लीगल कंप्लेंट, जैसे हम लोग कोई लीगल मामले में या कोर्ट का मामले में जैसे एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट जारी करते हैं, उसी किस्म का यहाँ भी एक लीगल टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है, एक लीगल एंगल लाने का कोशिश किया गया है जहाँ पे दोनों कंटेस्टिंग साइड है, एक तरफ है ब्यूटी और एक तरफ है डेथ। तो जब डेथ का सामने ब्रास, अर्थ, सी, स्टोन, ऐसा बड़ा बड़ा भारी भारी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं टिक पा रहा डेथ का ताकत के आगे, तो ब्यूटी कैसे टिकेगी? ब्यूटी तो इन लोग का सामने कुछ नहीं है, तो जब ये लोग नहीं कर पा रहे तो ब्यूटी कैसे डेथ का सामना करेगी? उसका खिलाफ कैसे वो खड़ा होगी? उसका खिलाफ वो कैसे कंटेस्ट करेगी? ये है मतलब। फिर चौथा लाइन में, हुज एक्शन इज नो स्ट्रॉन्गर देन अ फ्लावर। ओके, मतलब जिसका जो काम है, जिसका एक्शन है, जिसका प्रभाव, जिसका इफेक्ट किससे ज़्यादा ताकतवर नहीं है? एक फूल से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। ये काफ़ी नेचुरल है कि ब्यूटी को हम लोग हमेशा थोड़ा सा डेलिकेट या थोड़ा सा नाजुक ही समझ के आते हैं। इसका साथ जनरली ब्यूटी को कभी हम स्ट्रेंथ का हिसाब से हम लोग उसका कंपेयर नहीं करते, ब्यूटी को उसका जो प्लेजेंट जो इफेक्ट है उसका हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो इसलिए एक फूल जैसा बहुत ही नाजुक और बहुत ही सुंदर होता है, तो ठीक वैसे ही ब्यूटी है। ब्यूटी का तो अपना कोई स्ट्रेंथ नहीं ना, कोई पावर नहीं है। तो जब मतलब अर्थ, सी जैसे बड़े बड़ा पावरफुल चीज़ भी डेथ के सामने नहीं टिक पा रहा, तो बेचारा फूल जैसा एक ताकत वाला जो ब्यूटी है वो कैसे मुकाबला करेगी डेथ का? ठीक है, कोई जो ब्यूटीफुल चीज़ है वो अपने आप को कैसे बचाएगा डेथ से? ये है मीनिंग। अब आते हैं हम लोग सेकेंड स्टैंजा में। सेकेंड स्टैंजा जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पोएट अपना पहला स्टैंजा में वो जो कंपेयर किए थे कि जैसे अर्थ, बाउंडलेस सी, ब्रास, स्टोन, ये सब जैसे इतना पावरफुल चीज़ भी जब डेथ को मतलब ओवरकम नहीं कर पा रहा, तो फूल जैसा नाजुक ब्यूटी क्या ही कर लेगा उसके सामने। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा, ओ हाउ शैल समर्स हनी ब्रेथ होल्ड आउट। मतलब कैसे ये जो समर है, समर का जो हनी ब्रेथ है, यहाँ हनी ब्रेथ का मतलब होता है स्वीट ब्रेथ। ठीक है, और ब्रेथ का मतलब यहाँ वो फिजिकल ब्रेथ नहीं, जो हम लोग ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं, सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, वो सांस का बारे यहाँ पे नहीं बोला गया है। यहाँ ब्रीद इन द सेंस एसेंस, ठीक है, सब्सटेंस। तो समर का जो स्वीट सब्सटेंस होता है, समर जो डेलिकेट होता है, अब आप लोग यहाँ हम लोग का इंडिया का समर के साथ इसको कन्फ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि इंडिया का समर बहुत स्कॉर्चिंग होता है, उसमें डेलिकेसी बिल्कुल नहीं होता। शेक्सपियर यहाँ पे
क्योंकि वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, तो वो इंग्लिश समर का बात कर रहे हैं। इंग्लैंड में जिस किस्म का समर सीज़न दिखा जाता है उसका बात कर रहे हैं। क्योंकि इंग्लैंड का जियोग्राफिक पोजिशन हम लोग से काफ़ी अलग है, इसलिए वहाँ पर ठंडा काफ़ी ज़्यादा रहता है हम लोग के मुकाबले। तो इसलिए इसलिए आप लोग कभी अगर ख्याल कीजिएगा तो देखिएगा कि ज़्यादातर पोइट्री में या कोई और भी प्रोज हो या फिर नॉवल हो या ड्रामा हो, कोई भी लिटरेरी वर्क्स हो, उसमें जब सीजन्स का रिप्रेजेंटेशन होता है तो समर को और स्प्रिंग को हमेशा बहुत ही मतलब सेलिब्रेट का तरीके से देखा जाता है। बहुत मतलब प्लेजेंट, हाँ, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत डेलिकेट, इस किस्म से देखा जाता है। क्योंकि वहाँ ठंडा का देश में जब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो आराम रहता है। लेकिन विंटर को, वो लोग तो ऐसे ही ठंडा देश है, इसलिए वहाँ का यूरोपियन जितना भी कंट्री है, जितना भी इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें विंटर को जनरली बहुत बिटर माना जाता है, बहुत ही मतलब अनकंफर्टेबल माना जाता है, बहुत पेनफुल माना जाता है। ओके, तो ये है वो लोग के साथ हम लोग का डिफरेंस। हालांकि हम लोग यहाँ विंटर को ज़्यादा कंफर्टेबल मानते हैं क्योंकि हम लोग का यहाँ गर्म कंट्री है, इसीलिए। तो इसे इंडियन समर और इंग्लिश समर को कन्फ्यूज मत कीजिएगा। इंग्लिश समर इज़ ऑलवेज कम्फर्टेबल, इंडियन समर इज नॉट एट ऑल। ओके, तो समर्स हनी ब्रेथ होल्ड आउट। अच्छा, होल्ड आउट का मतलब होता है विथ स्टैंड या फिर टॉलरेट, मतलब सहन करना या टिके रहना। मतलब समर का ये जो डेलिकेट, समर का जो डेलिकेसी है, ये जो बहुत ही स्वीट समर है, ये कैसे टिका रह सकेगा, ये कैसे मुकाबला कर सकेगा, कैसे सहन कर सकेगा अगेंस्ट द रैकफुल सीज ऑफ बैटरिंग डेज। देखिए, ये बैटरिंग में फिर से वही एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है, मतलब ये भी एक्चुअली एक थोड़ा सा बड़ा वर्ड है जिसको ट्रिम किया गया है, जिसको शॉर्ट आउट किया गया है पोएम का मीटर को मेंटेन रखने के लिए। यहाँ ये जो एपोस्ट्रोफी है, इसका जगह पे ई आता, ई बैटरिंग, ठीक है। बैटरिंग का मतलब, बैटरिंग का मतलब होता है कि लगातार जोर जोर से कोई चीज़ को पीटना, कोई चीज़ को स्ट्राइक करना, ठीक है। टू स्ट्राइक रिपीटेडली विथ हार्ड ब्लोज, ठीक है, जोर जोर से आघात करना, जोर जोर से पीटना, उसको बोलते हैं बैटरिंग। तो अगेंस्ट द रैकफुल, रैकफुल का मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग, ठीक है, तहस नहस कर देना, विध्वंसी जिसको हम लोग बोलते हैं। सीज, सीज का मतलब होता है कि चारों तरफ से घेर लेना, ठीक है, ब्लॉक कर लेना, ब्लॉकेट, इसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेट बोल सकते हैं, सीज को घेर लेना, चारों तरफ से घेर लेना। तो अगेंस्ट द रैकफुल सीज ऑफ बैटरिंग डेज, मतलब जो दिन, यहाँ पे डेज टाइम को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। शेक्सपियरियन सोनेट्स में एक इसका खासियत ये है कि यहाँ पे डेथ, टाइम और ब्यूटी, ये तीनों चीज़ आपस पे बहुत इंटरकनेक्टेड करके दिखाया जाता है कि जो ब्यूटी है और जो पोइट्री है वो कैसे टाइम एंड डेथ का खिलाफ हमेशा एगो इटर्नल वॉर में एंगेज्ड है, कैसे डेथ और टाइम हमेशा ब्यूटी और पोइट्री को मिटाने का कोशिश करता है, बट ब्यूटी और पोइट्री अपना पावर कदम से हमेशा डेथ और टाइम से जीत जाते हैं। ये जो एक वॉर है, ये जो ब्यूटी वर्सेस जो डेथ होता है या ब्यूटी वर्सेस टाइम होता है, ये काफ़ी शेक्सपियरियन सोनेट का एगो कॉमन एगो टॉपिक है, ठीक है, जो आप इस सोनेट में भी, आप पूरा थ्रू आउट दिस सोनेट यू कैन फील दिस। अब तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि समर, मतलब पहला दो लाइन का अगर हम लोग मतलब निकालें कि समर का जो डेलिकेसी होता है, समर का जो स्वीटनेस होता है, वो ये जो बैटरिंग डेज है, ये जो हार्ड हिटिंग डेज है, मतलब टाइम, समय का ये जो कड़ा प्रहार है, ठीक है, समय जो चारों तरफ से घेर ले रहा और घेर के ये जो तहस नहस कर दे रहा, समय का जो तबाही है, क्योंकि टाइम का साथ साथ हर चीज़ तबाह हो जाता, ठीक है ना, कितना भी सुंदर चीज़ हो, कितना भी पावरफुल चीज़ हो, हर कोई चीज़ टाइम के साथ धीरे 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 डीके होने लगता है, धीरे धीरे उसका पावर कम होने लगता है, धीरे धीरे वो एंड होने लगता है। तो टाइम इज़ द मोस्ट पावरफुल हेयर, ऐसे इसको बताया गया है। तो उसके सामने, उसका तहस नहस कर देने की क्षमता का सामने, उसका तबाही का सामने, वो जो घेर लेता है सबको, अपना गिरफ्त में ले लेता है, उसका सामने ये समर का जो डेलिकेसी है या स्वीटनेस है या ब्यूटी है, वो कैसे टिका रहेगा, कैसे वो अपने आप को बचाएगा, मुकाबला करेगा। थर्ड लाइन, व्हेन रॉक्स इम्प्रेग्नेबल आर नॉट सो स्टाउट। रॉक यानी कि स्टोन, पत्थर। इम्प्रेग्नेबल का मतलब यहाँ है इनविंसिबल, ठीक है, मतलब जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसको जीता नहीं जा सकता, ठीक है, आई मीन जिसका खिलाफ कोई लड़ाई में जीत नहीं सकता। ओके, ये है,
इम्प्रेगनेबल, मतलब जिसको आप ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते, जिसको गिरा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, ऐसा एक चीज़। तो रॉक्स इम्प्रेगनेबल मतलब जो काफ़ी बड़े बड़े जो पत्थर होते उसको ऐसे जनरली तो आर पार हम लोग भेद नहीं सकते, ठीक है, उसको उतना जल्दी से हम लोग तोड़ नहीं सकते, बहुत वो स्ट्रांग है। तो लेकिन व्हेन रॉक्स इम्प्रेगनेबल आर नॉट सो स्टाउट, लेकिन वो इतना सख्त पत्थर भी, इतना सॉलिड स्ट्रांग पत्थर भी किसका आगे, पत्थर को हार मानना पड़ता है टाइम का आगे, क्योंकि जितना टाइम आगे जाता है वो पत्थर उतना बड़ा बड़ा पत्थर के ऊपर भी धीरे धीरे एयर अपना काम करता है, वाटर अपना काम करता है, अदर नेचुरल फोर्सेस अपना काम करते हैं, फिर उसको क्या करता है, उसको इरोड करना शुरू कर देता है, वो धीरे 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 वो डस्ट बन जाता है, सैंड बन जाता है, ठीक है ना, धीरे धीरे उसके ऊपर प्रोसेस चलते रहते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस चलते रहता है, अल्टीमेटली टाइम का आगे उसको भी हार मानना ही पड़ता है। तो जहाँ ये एपरेंटली ऑन लुकिंग विंड लुक एपरेंटली जो रॉक है, जो इतना बड़ा रॉक है, वो जिसको आम आदमी भेद नहीं सकते, जो इतना पावरफुल है, वो भी जब टाइम के आगे अपना ताकत दिखाने में समर्थ नहीं है, नॉट सो स्टाउट, स्टाउट का मतलब भी यहाँ स्ट्रांग। तो टाइम का सामने जब ऐसा शक्तिधर पत्थर भी जहाँ टाइम से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, नॉर गेट्स ऑफ स्टील सो स्ट्रांग बट टाइम डीकेज, और सिर्फ पत्थर को तो छोड़ ही दो, जो स्टील का गेट होता है, ठीक है, वो भी जब इतना स्ट्रांग नहीं है, ना तो इम्प्रेगनेबल रॉक्स ना तो स्टील का गेट, ये दोनों ही जो जो कि आम मतलब आम आदमी के लिए, हम लोग के लिए नॉर्मल जनरली अगर हम व्यू में देखें तो ये दोनों बहुत शक्तिशाली चीज़ है, इसको जनरली जल्दी से तोड़ा नहीं जा सकता, जल्दी से इन लोगों को काबू में नहीं लाया जा सकता, बट ये दोनों भी इतना शक्तिशाली होने के बावजूद टाइम का आगे ये लोग का नहीं चल रहा, टाइम का आगे ये लोग घुटना टेक दे रहे हैं, तब टाइम डीकेज, अच्छा डीके का मतलब होता है कि इसको इरोड कर देना, मतलब धीरे धीरे उसका पावर को कम कर देना, ठीक है, उसको एंड कर देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ओके, डीके का मतलब। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा में भी लगभग वही सेम ही चीज़ बोला गया, मतलब वही जो टाइम का खिलाफ कोई टिक नहीं सकता, टाइम का खिलाफ कोई कितना भी पावरफुल हो, कितना भी मैजेस्टिक हो, टाइम का आगे किसी का नहीं चलेगा, इसी आइडिया को सेकंड स्टैंजा में भी लेके गया। अब थर्ड स्टैंजा में हम लोग चलते हैं, ओ फियरफुल मेडिटेशन, ओके, फियरफुल यानी कि बहुत ही मतलब खतरनाक, डेंजरस, फ्राइटफुल, जिसको जो मतलब जिसको सोच करके मतलब आदमी को डर लगता है, डरावना, मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब थिंकिंग, थॉट, सोच, तो ओ फियरफुल मेडिटेशन मतलब डरावनी सोच, एक सोच जिसको जिसका सोच करके डर लग रहा है, कैसा सोच, मतलब ये कौन सा सोच के बारे में बताया जा रहा है, यही सोच कि दुनिया का कोई भी पावरफुल चीज़ टाइम के आगे टिक नहीं पा रहा, यही डरावना सोच है कि टाइम के आगे तब टाइम से कौन जीतेगा, टाइम से सबको डर लग रहा कि इतना बड़ा बड़ा चीज़ भी जब टाइम के आगे टिक नहीं पा रहा तो हम लोग क्या ही टिकेगा, कोई चीज़ क्या ही टिकेगा। वेयर अलैक, अच्छा अलैक शब्द यहाँ पे एक मतलब रिग्रेट एक्सप्रेस करने का काम में आया है, इसको हम लोग एलस के साथ भी तुलना कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाय क्या होगा, तो इन दैट सेंस ये अलैक, अलैक या एलस दोनों ही हम लोग बोल सकते हैं, ये रिग्रेट, एन एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, ठीक है। तो वेयर अलैक शेल टाइम्स बेस्ट ज्वेल फ्रॉम टाइम्स जस्ट लाई हिट, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ध्यान से इसको समझिएगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ओ फियरफुल मेडिटेशन वेयर अलैक शेल टाइम्स बेस्ट ज्वेल फ्रॉम टाइम्स जस्ट लाई हिट, मतलब ये जो डरावना सोच है, क्या सोच के डर लग रहा है, टाइम के बारे सोच के तो डर लग ही रहा है, और क्या सोच के कि कहाँ पे है अलग, मतलब एलस, कहाँ पे जो समय का सबसे बेहतरीन ज्वेल है, ज्वेल मतलब जो हम लोग गहना का बात करते हैं, तो टाइम का जो सबसे बेहतरीन गहना है, ये यहाँ टाइम्स बेस्ट ज्वेल मतलब किसको बताया जा रहा है, ये आप लोग अगर ध्यान करेंगे कि ये एक फेयर यूथ के बारे बताया जा रहा है, शेक्सपियरियन सोनेट में जनरली, शेक्सपियर का टोटल कुल मिला के 156 सोनेट है, 154 सोनेट्स, तो उसमें जो पहला 126 सोनेट है, ओके, सोनेट नंबर 1 से लेकर के सोनेट नंबर 126 तक, ये इनको बोला जाता है फेयर यूथ ग्रुप ऑफ सोनेट्स, क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि जो पहला 126 सोनेट्स है वो
सारे का सारे डेडिकेटेड है फेयर यूथ के खिलाफ नहीं मतलब फेयर यूथ के लिए डेडिकेटेड है। अब ये फेयर यूथ कौन है, इसको लेके स्कॉलर्स में और क्रिटिक्स में काफ़ी मतभेद है। कोई कोई इसको वैसे एक चीज़ सारा मतभेद में या सारा डिसेंशन में एक चीज़ कॉमन है कि ये जो भी है एक कोई मिस्टर डब्ल्यू एच है, ठीक है, शेक्सपियर का सोनेट्स का जो कलेक्शन था, ठीक है, उसको जो पब्लिश किया था उसका नाम था थॉमस थॉर्प, ठीक है। उसने 1609 में जब शेक्सपियर का सोनेट का कलेक्शन ये पब्लिश किया था सर थॉमस थॉर्प ने, तब उन्होंने ही ये मिस्टर डब्ल्यू एच लिखा था, ठीक है। इसी को फेयर यूथ माना जाता है। अब किसी किसी का मानना है कि डब्ल्यू एच का मतलब है हेनरी रायोथेसले, ठीक है, किसी किसी का मानना है कि डब्ल्यू एच का मतलब है विलियम हर्बर्ट, ठीक है। तो इसको लेके बहुत सारा मतभेद है, बट एक चीज़ कॉमन है कि ये कोई एक फेयर यूथ है, ऐसे ये कोई ऐसा कोई बहुत मतलब जवान पुरुष है जो कि बहुत सुंदर थे, बहुत ब्यूटीफुल थे, और जिसको जिसका प्रेज विलियम शेक्सपियर ने किया है अपना पहला 126 सोनेट में। तो यहाँ ये जो टाइम्स बेस्ट ड्यूल समझाया जा रहा है ना, वही फेयर यूथ को समझाया जा रहा है कि वो इतना खूबसूरत है। मतलब इन जनरल तो ब्यूटी को समझाया जा रहा है, बट इन पर्टिकुलरली अगर हम बोले हम लोग सोचे तो वहीं फेयर यूथ को समझाया जा रहा है कि वो जो फेयर यूथ है वो इतना खूबसूरत है, वो समय का सबसे बेहतरीन गहना वही है। क्यों समय का सबसे बेहतरीन गहना है, क्योंकि ये जो ब्यूटी होता है या जो यूथ होता है सब तो समय का ही देन होता है ना। जब समय धीरे धीरे जब इंसान पैदा होता है तब तो उसका यूथ या ब्यूटी उतना नहीं दिखता ना। हर उम्र में हर फेज में अपना अपना एगो ब्यूटी ज़रूर रहता है, बट एक्चुअली जो यूथ या ब्यूटी हम लोग जो समझते हैं वो एक सर्टेन एज नहीं आने तक वो हम लोग अचीव नहीं कर पाते। इन बोथ केसेस, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, इन बोथ केसेस। तो ये जो ब्यूटी है या जो यूथ है ये किसका देन है, ये समय का देन है, ठीक है ना। तो इसलिए टाइम्स बेस्ट ज्वेल। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि इसका जो टाइम मतलब ब्यूटी और यूथ देने वाला भी टाइम है और लेने वाला भी टाइम है, क्योंकि जब तक यूथ है तब तक ही ब्यूटी टिका रहेगा। धीरे धीरे जब यूथ से आगे बढ़ेगा, मिडिल एज होगा, फिर ओल्ड एज की तरफ बढ़ेगा, वो भी तो टाइम के साथ साथ, तो वो भी रुका हुआ तो नहीं कि ज़िंदगी भर तो कोई यूथ नहीं रह सकता ना, वो तो टाइम के साथ साथ तो वो भी एक दिन बूढ़ा होगा, सब कोई बूढ़ापा आएगा। तो जैसे ही टाइम आगे बढ़ेगा वो लेकिन अपना ही दिया हुआ जो तोहफा था ये यूथ एंड ब्यूटी वो छीन लेगा। टाइम इज हेयर बोथ द गिवर एंड द टेकर, देने वाला भी वो है लेने वाला भी वो है, ठीक है। इसलिए ये लाइन यहाँ इतना इंपॉर्टेंट हो जाता कि टाइम्स विजुअल फ्रॉम टाइम्स चेस्ट लाई हिड। चेस्ट मतलब यहाँ होता है सेफ, मतलब संदूक, ठीक है, जहाँ पे आदमी लोग स्टोर करके रहते हैं अपना जो कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होते हैं या पैसा वैसा, पहले का ज़माना में क्या जो संदूक में भर के स्टोर करके रखते थे, ठीक है, सेफ। तो वो टाइम का जो वो सेफ है या टाइम का जो संदूक है उससे ये टाइम का सबसे बेहतरीन गहना कहाँ छुपेगा, उससे कहाँ वो छुपा रहेगा। मतलब उसको जाना तो एक दिन है ही टाइम का चेस्ट के अंदर। जैसे ही वो टाइम का चेस्ट के अंदर जाएगा, मतलब टाइम का वो संदूक के अंदर जाएगा, उसका तो ब्यूटी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बुढ़ापे का साथ तो उसका वो ब्यूटी तो रहना पॉसिबल है नहीं ना। तो एक दिन ना एक दिन तो उसको ख़त्म होना ही है, तो वो कैसे कहाँ छुपेगा, कैसे वो ये ब्यूटी को ख़त्म होने से बचाएगा, ये इतना जो सुंदर ब्यूटी है उसको वो कैसे बचेगा। पोइट इसको सोच करके परेशान है। और व्हाट स्ट्रॉन्ग हैंड कैन होल्ड हिज स्विफ्ट फुट बैक, ठीक है, मतलब कौन सा ताकतवर हाथ है जो उसका स्विफ्ट फुट यानी तेज, क्विक, ठीक है। तो उसका अच्छा यहाँ ही मतलब टाइम का बात किया जा रहा है या डेथ का, डेथ या टाइम जो भी हम लोग बोल रहे, तो जो टाइम का जो तेज पाँव है, ठीक है, स्टेप्स हैं, मतलब जो इतना तेज़ी से वो भागता हुआ चल रहा, टाइम को तो कोई रोक नहीं सकता है ना, टाइम फ्लाइज अवे, तो टाइम को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यही पोइट पूछ रहे कि
किसका इतना ताकतवर हाथ है, कौन सा ऐसा ताकतवर हाथ है जो टाइम का वो भागते हुए पैर को पकड़ लेता कि टाइम को रोक दिया जाए। कोई तरीके से अगर टाइम को रोक दिया जाए तो क्या होगा, तो ये जो फेयर यूथ का ये जो ब्यूटी है ये और डिके नहीं होगा, टाइम आगे नहीं बढ़ेगा, ये उनका पोएट का तमन्ना है। और हु हिज स्पॉयल ऑफ ब्यूटी कैन फॉरबिड, अच्छा स्पॉयल, यहाँ स्पॉयल का मतलब होता है कि लूटना, ठीक है। खास करके जब पहले ज़माने में कोई वॉरफेयर होता था, बैटल होता था, तो जो विजयी टीम होते थे, जो विक्टोरियस टीम होते थे, साइड होते थे, वो जो हार जाते थे उनका वहाँ से काफ़ी सारा जो धन संपन्न है या सामान, कीमती सामान है, वो लूट करके लाते थे। सी को स्पेशली स्पॉयल उस सेंस में यूज़ होता है, ठीक है, कि किसी से लूटा गया सामान, ठीक है। इसको प्लंडर भी बोला जाता है, पाइलेज या प्लंडर, ठीक है, किसी से रॉब किया हुआ, किसी से लूट किया हुआ सामान। तो हु हिज स्पॉयल ऑफ ब्यूटी कैन फॉरबिड, तो ये जो टाइम ये जो लूट रहा है ना, ब्यूटी को लूट रहा है, ब्यूटी को ले ले रहा, ब्यूटी को ख़त्म कर दे रहा, इसको कौन रोकेगा, ब्यूटी को लूटने से टाइम को कौन रोकेगा। फॉरबिड यानी यहाँ प्रिवेंट करना, रोकना, ठीक है। तो अब तक हम लोग जो तीन स्टैंजा पढ़े उसमें हम लोग पहला दो स्टैंजा में तो खैर मतलब वहीं सेम पॉइंट का पोएट आगे लेके जा रहे थे, सेम आइडिया को, कि टाइम का सामने तो बड़ा बड़ा चीज़ नहीं टिक पाता, ब्यूटी इतना नाजुक चीज़ होकर कैसे टिकेगा, कैसे बचाएगा अपने आप को। थर्ड स्टैंजा में वहीं उनका जो है ये जो डर है वो और थोड़ा सा इंटेंसीफाई कर, मतलब हम लोग ये थर्ड स्टैंजा को क्लाइमैक्स बोल सकते हैं। ये जो पोएट अपना थॉट को लेके आगे बढ़ रहे, अपना इमोशंस को लेके आगे बढ़ रहे, उसका क्लाइमैक्स, उसका एकदम टॉप मोमेंट हम ये थर्ड स्टैंजा में आकर रुकता है, जब वो इतना चिंतित हो जाते हैं कि टाइम का ही दिया हुआ इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट टाइम खुद ही छीन लेगा, कैसे बचाएगा, कौन रोकेगा, बहुत वो चिंतित हैं। और फिर आखिर का ये जो आखिरी दोनों लाइन में, ये तीनों स्टैंजा में जो प्रॉब्लम इतना इंटेंसिफाई किया, खास करके थर्ड स्टैंजा में एकदम टॉप में पहुंच गया, अपना क्लाइमैक्टिक सिचुएशन में पहुंच गया, उसका आंसर अब मिलेगा आखिरी दोनों लाइन में, जिसको हम लोग कंक्लूडिंग या क्लिंचिंग कपलेट बोलते हैं। तो आखिरी कंक्लूडिंग या क्लिंचिंग कपलेट में क्या है, ओ नन अनलेस दिस मिरेकल हैव माइट दैट इन ब्लैक इंक माई लव मे स्टिल शाइन ब्राइट। ये दोनों लाइन भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखिएगा, ध्यान से समझिए। ओ नन, नन मतलब नो बॉडी, कोई नहीं, मतलब पोइट उसका आंसर दे रहे, पोइट खुद ही सवाल किए कि कौन रोकेगा, कौन टाइम से बचाएगा, तो वो खुद ही आंसर दे रहे कि नहीं, कोई नहीं, टाइम से कोई नहीं लड़ सकता, टाइम को कोई नहीं रोक सकता, नेवर, नो वन, अनलेस। लेकिन इसी के बाद फिर अपना ही बात का एक वो कॉन्ट्राडिक्शन भी करते हैं, अपना बात का ही वो अपोज भी करते हैं कि नहीं, कोई तो नहीं है, लेकिन अनलेस मतलब इफ नॉट, ठीक है, इफ नॉट दिस मिरेकल हैव माइट, मिरेकल मतलब, मिरेकल मतलब चमत्कार, ठीक है, और माइट, माइट का मतलब यहाँ पावर, स्ट्रेंथ, ताकत, ठीक है। तो ओ नन मतलब कोई नहीं, अगर इस मिरेकल में, मतलब कि ऐसा तो क्या है कि टाइम का कोई नहीं रोक सकेगा, लेकिन बस एक ही ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ टाइम को रोका जाके, क्या कि कोई अगर चमत्कार हो, इस चमत्कार में अगर उतना ताकत हो, तो कौन सा चमत्कार का बात वो कर रहे हैं जिसमें इतना ज़्यादा ताकत है वो टाइम को भी रोक दे पा रहा, टाइम से भी लड़ जा पा रहा, कौन सा ऐसा चमत्कार है। वही चमत्कार आखिरी लाइन में बताया गया है, दैट इन ब्लैक इंक माई लव मे स्टिल शाइन ब्राइट, मतलब काला ब्लैक इंक, जो काला काली है, जो अक्षर है, काले अक्षरों में मेरा जो प्यार है, माई लव, मतलब यहाँ फेयर यूथ का बात किया जा रहा है, वही फेयर यूथ जिसको शेक्सपियर प्रेज किया है पहला अपना 126 सोनेट में, माई लव मे स्टिल शाइन ब्राइट, कि काले अक्षरों में मेरा जो प्यार है, ये जो फेयर यूथ हैं, इनका जो ब्यूटी है ये सदा सदा क्या रहे, शाइन करता रहे, हमेशा ये ब्राइट रहे, इसका जो मतलब ब्यूटी है ये कभी भी डिम नहीं हो, कभी भी ये कम नहीं हो, ये हमेशा ब्राइट करे, हमेशा ये बना रहे, इसका ब्यूटी हमेशा बना रहे। काले अक्षर मतलब यहाँ पोएम का बात किया जा रहा है, पोइट्री का बात किया जा रहा है, कि अगर पोइट्री ही एक और एकमात्र ऐसा मीडियम है कि जिसका जरिया कितना भी दिन हो जाए, जितना दिन वो पोइट्री आदमी पढ़ते रहेगा उतना दिन तक ब्यूटी ये इंटैक्ट रहेगा,
ब्यूटी का कुछ नहीं होगा। जैसे हम ही लोग, जैसे आज पढ़ रहे शेक्सपियर, जैसे ये कब लिखे गए, 1609 में ये पब्लिश हुआ था। आज आप लोग देखिए 400 साल से भी ज़्यादा पार हो गया, लेकिन उसका बाद भी ये जो फेयर यूथ है उसका ब्यूटी तो आज भी इंटैक्ट है ना। कैसे इंटैक्ट है? फेयर यूथ का बॉडी इंटैक्ट नहीं है, यहाँ फिजिकल ब्यूटी का बात नहीं करा जा रहा, क्योंकि फिजिकल ब्यूटी तो जब बॉडी ख़त्म होता है फिजिकल ब्यूटी तो उसी का साथ ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ जो ब्यूटी का मेमोरी है, ठीक है ना, ये जो ब्यूटी का याद है, ब्यूटी का जो मतलब लोग जो नॉलेज ऑफ ब्यूटी है, लोग जो ब्यूटी के बारे जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये कभी बंद नहीं होगा। तो लोगों के मन में जो शेक्सपियर का जो लव या शेक्सपियर का जो फेयर यूथ का ब्यूटी है वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक ये पोइट्री आदमी पढ़ते रहेंगे तब तक, आज भी, आज से 500-600 साल बाद भी जब तक आदमी पढ़ता रहेगा तब तक ये बना रहेगा। ठीक है, टाइम लेकिन इसको नहीं बिगाड़ सकता, टाइम पोइट्री का पावर को ख़त्म नहीं कर सकता। तो सारा आखिर में हम लोग करके देखिए कि सारा ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पोएम आप देखिए कि 14 लाइन का पोएम है, 12 लाइन तक वो क्या कि इवन 12 लाइन हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो 13 लाइन वाली लाइन है कि ओ नन, उसमें भी पहला दो शब्द नन, वहाँ तक वो पूरा सुप्रीमेसी ऑफ टाइम, सुप्रीमेसी ऑफ डेथ वो एस्टैब्लिश कर गए कि कौन सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, कौन सा सब बड़ा है, डेथ है, टाइम है। टाइम के आगे किसी का नहीं चलेगा, टाइम के आगे सबको घुटना टेकना ही पड़ेगा। लेकिन आखिरकार यहीं पे ये वोल्टा आता है, जो हम आपको सबसे पोएम का पहले ही समझाए थे, वोल्टा या टर्न ऑफ थॉट, यहीं पे आता है वोल्टा, शिफ्ट होता है, चेंज जो मूड होता है, जो थॉट होता है वो शिफ्ट होके बन जाता है या सल्यूशन बन जाता है। पोएट कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं अपने ही एक्सप्लेनेशन जो अब तक दिए कि नहीं, टाइम ऑमनीपोर्टेंट नहीं है, ऑमनीपोर्टेंट मतलब ऑलमाइटी, ऑल पावरफुल, टाइम ऑमनीपोर्टेंट नहीं है, डेथ भी ऑमनीपोर्टेंट नहीं है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल कौन है? पोएट्री। और इसी पोएट्री का थ्रू पोएट अपना जो बिलवड है, अपना जो फेयर यूथ है, उनका ब्यूटी को हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रख के जाएंगे। और आखिर का जो ये लाइन है इसमें, तो इसको थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल भी बोल सकते हैं। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि एगो ऐसा लाइन जिसमें ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हो जो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, खुद को ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग, ठीक है, खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, थोड़ा सा अपोजिट लगता हो सुनने में। जैसे ये दैट इन ब्लैक इंक माई लव मे स्टिल शाइन ब्राइट, तो ये जो ब्राइट और ये जो ब्लैक है दोनों तो अपोजिट हो गया ना, ब्राइट और ब्लैक तो एक साथ मेल नहीं खाता। लेकिन वहीं ये पैराडॉक्सिकल थॉट यही है कि एक वन एंड ओनली ब्लैक इंक का थ्रू ही वो शाइन कर सकेगा, और कैसा शाइन? एवर लास्टिंग शाइन, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो। तो यही था सोनेट 65 का एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।